हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंटरडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए, ये हमारे लर्निंग ग्रुप में जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने ग्रीन लैम्प 479 पे शेयर करा था। इसने रिसेंटली 640 का हाई लगाया है, ठीक है। October 31 को शेयर करा था, 640 का हाई लगाया। देखिए, वैरॉक इंजीनियरिंग मैंने 435 पे दिया था, आज इसने यहाँ पे नियर अबाउट 575 के आसपास का हाई लगाया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के मैंने पहले भी यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ और ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में शेयर किया था। ये हमारे YouTube में हमने शेयर किया था, ठीक है। और ये सारे देखिए, हमारे YouTube में जो भी स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे, जैसे जैसे वो टारगेट अचीव करते हैं, जो जो मेरे नजर में आते हैं मैं आप लोगों को वो देता जाता हूँ। क्योंकि जितने स्टॉक्स मैं शेयर करता हूँ, बेसिकली हर स्टॉक्स को मैं प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाता, बट जो मुझे याद रहते हैं उनमें मैं प्रॉपर आपको अपडेट दे देता हूँ। और ये है हमारा फ्री का ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मुझे ऑप्शंस के जो भी कॉल अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये हमारा फ्री का ऑप्शन ग्रुप और ये फ्री का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यही है वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो आने वाले समय में यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है। पूरी एनालिसिस करूंगा मैं, इसमें सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक को मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। देखिए, ये जो इसने 2010 में इस पर्टिकुलर एरिया का हाई लगाया है ना, वहां से फॉल करने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया पे आके जो है हमारा 2017 का टाइम, वहां पे आने के बाद यहाँ से हमें मेन फॉल देखने को मिला है। तो मैंने इस एरिया को कंसिडर करते हुए ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क किया और देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट रिटेस्ट मिला, दोबारा से यहाँ पे फॉल आया, दोबारा से यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, मैंने यहाँ पे 2 अगस्त को आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब मेरा चैनल एकदम नया था, 65.10 रुपीज के आसपास मैंने शेयर किया था। मैं पहले आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारा 2 अगस्त का डेट जहां पे मैंने 65.10 रुपीज पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा डेट यहाँ पे, 2 अगस्त का डेट है जिस दिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब देखिए, 65.10 रुपीज से ये पर्टिकुलर प्राइस ने आज कितने रुपए का हाई लगाया, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने परसेंट तक का भी हाई लगाया। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें 3-3 महीने के अंदर यहाँ पे 50% तक का रिटर्न देता हुआ दिख गया है। ये तो हो गई अभी की बात कि अभी हमें करंट सिचुएशन में क्या मिल रहा है। अब और एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बहुत बारीक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, ठीक है। जो भी इम्पेशेंट स्विंग ट्रेडर होंगे ना, या फिर जो भी इम्पेशेंट लोग होंगे ना, वो एक बार इस रैली को अगर देखे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल करा होगा समझ लीजिए उनके बाई करने के बाद, तो बाई करने के बाद जब फॉल करता है तब तो वो लेके बैठे रहते हैं, बट जब ऊपर जाने के बाद फॉल करता है ना तब वो होल्ड नहीं कर पाते। देखिए, वो फॉल करता है राइज करने के लिए, देखिए वो फॉल करता है राइज करने के लिए। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा समझना है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको इस फॉल से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पता है कि अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, वो इसलिए फॉल कर रहा है। और मैंने इसे मल्टीपल टाइम आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस में बताया, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये सारी चीजें मार्केट में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं, तो आपको इन चीजों को जरूर ध्यान देना है। तो देखिए, अभी ये हो गई हमारी अभी की बात, 50% यहाँ से दे चुका है, हम अभी इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ से मैं फिर से बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चला गया, चार्ट को रीसेट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहूंगा। मैं पहले यहाँ पे एक जोन मार्क करूंगा, ये देखिए, ये एक हमारा जोन मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। यहां से देखिए, कंटिन्यूअसली हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, देखिए दोबारा हमें यहीं से रिजेक्शन मिला है, ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकडाउन, वहीं से देखिए रेड कैंडल। फिर जैसे मैं बोलता हूं ना कि डेली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस को किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है तो वो ये दिखाता है कि मैं यहां से रिजेक्शन ले रहा हूं, तुम बेच के निकलो, और प्राइस देखिए वहीं से कैसे मैनिपुलेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर आप उसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो इस पर्टिकुलर प्राइस का जो हाई है वो कितने रुपए का है, अगर आप इसका हाई देखो, ऑल टाइम हाई अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है नियर अबाउट 995 रुपए का, और अभी ये कितने पे चल रहा है, 94 रुपीज। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, बट यहाँ पे दो सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि यहाँ से फिर ये थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आए, फिर इस तरीके से साइडवेज करने के बाद दोबारा जब इस एरिया को ब्रेक करे, फिर इसे रिटेस्ट करे, तब इस तरीके से एक अपसाइड की रैली आ सकती है। क्यों आ सकती है, कि एक बार देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद ये प्राइस ऊपर गया है ना, तो हो सकता है कि ये जो हमारा ब्लू एरिया है ना,
ये जो पर्टिकुलर ब्रू एरिया है जहां पे हमारा रेजिस्टेंस की तरह ये प्राइस एक्ट कर रहा था, प्राइस दोबारा से उस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकता है, और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एक सिनेरियो यहां पे है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। और अगर ओवरऑल टारगेट्स की मैं बात करूं, जब भी कोई स्टॉक रिवर्स करता है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वो रिवर्स कर रहा है ना, तो उसका जो ओवरऑल टारगेट है ना, वो आने वाले समय में हमें 2 से 5 साल में देखने को मिलेगा। देखिए, ये कोई नहीं बता सकता कि ये 1 साल में जाएगा, 2 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा। ये जो ऑल टाइम इसका हाई है, कितने दिनों में जाएगा कोई नहीं बता सकता, बट इसे यहां तक जाना है ये बता सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो इसका कर्व है ना, वो कर्व पूरा चेंज हो चुका है। तो यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर की तरफ जाना है, ये मेरा मानना है, और मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूं। मैं कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस आप लोगों को नहीं देता, तो आप लोग अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। स्विंग के लिए अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट्स होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में 110 रुपए के आसपास का, और जो मेरा सेकंड टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्विंग के लिए, वो होगा 125 रुपए का। तो ये दोनों जो टारगेट है मैं आने वाले समय में देख रहा हूं, जो हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 33 से 34% तक के टारगेट बन जाते हैं। तो ये दो टारगेट मैं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूं। और अगर ये 125 का लेवल ब्रेक होता है, देखिए 125 के लेवल के पीछे ये एक रीजन है, अगर ये 125 का लेवल ब्रेक होता है, अगर ब्रेक हो जाता है तो प्राइस यहां से किस तरीके से कर सकता है, ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आके, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए, जब बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है ना, तो आप शॉर्ट टर्म फ्रेम में ना मैनिपुलेशन क्रिएट होती है, प्राइस को ऊपर नीचे ले आया जाएगा। जितने भी बायर्स हैं, कोशिश करेगा ऑपरेटर कि उन्हें पहले बाहर निकाले, ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टेक है इस पर्टिकुलर स्टॉक के, पहले उन्हें डरा के वो खुद खरीदे, खुद एक्वायर करे, उसके बाद प्राइस को पंप करे। इसी में उसका फायदा है। अगर उसके साथ मैक्सिमम रिटेलर उस पर्टिकुलर प्राइस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें उसका फायदा नहीं है। जब तक वो उन बायर से वो पर्टिकुलर स्टेक लेके खुद प्राइस को धीरे 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 करके रन ना करे, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस जब ऊपर जाता जाए, तब जब रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तब उसको और भी मुनाफा देखते हुए मिलेगा। ठीक है, तो इस माइंडसेट को समझिए कि बड़े प्लेयर कैसे काम करते हैं, बड़ा पैसा वो कैसे लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे आने वाले समय में यहां से 10x होता हुआ लग रहा है। तो यही था आज का मेरा वो स्टॉक जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।